वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हम मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे कि हम दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं उनको मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक रूल है। सबसे पहले क्या करना होता है हमें, सबसे पहले ये है कि हमारा जो दो मैट्रिक्स हैं, सपोज कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा हमारा मैट्रिक्स क्या है वो बी है। अगर ए मैट्रिक्स जो है हमारा उसके अंदर जो कॉलम्स हैं उनकी तादाद, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारा ए उसके कॉलम्स की तादाद, सेकंड मैट्रिक्स हमारा बी उसकी रोज की तादाद, अगर ये दोनों बराबर हैं इक्वल आ रही हैं, देन हमारे जो दो मैट्रिक्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो इजीली वो क्या होते हैं मल्टीप्लाई, हम उनको कर सकते हैं। कब कर सकते हैं दो मैट्रिक्स, तब हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स उसकी कॉलम्स की तादाद और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके रोज की तादाद, अगर ये दो चीजें हमारे पास इक्वल आ रही हैं, देन हम दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मल्टीप्लाई हम किस तरह करते हैं। रूल हमने समझ लिया कि मल्टीप्लाई कब हो सकता है, कौन से मैट्रिक्स होते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, वो मैट्रिक्स जिनका फर्स्ट वाला मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम्स की तादाद और सेकंड वाला मैट्रिक्स जो है उनकी रोज की तादाद आपस में इक्वल होती है, वो जो मैट्रिक्स हैं वो हमारे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कंफर्टेबल होते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट मल्टीप्लाई हम किस तरह करेंगे, हमारे पास सपोज किया एक मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर है 5 2 1 0, एक और मैट्रिक्स हमारे पास है जी बी, और बी हमारे पास क्या है 5 9 1 3, हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं। इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, कोई सी भी दो मैट्रिक्स हो तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ, अप टू सो ऑन, जितने भी कॉलम्स हों हम क्या करेंगे पहले रो को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एक रो जो है फर्स्ट वाली वो हम लेंगे, अगर हमारे पास एक ही कॉलम है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, दैट्स इट। अगर हमारे पास दो कॉलम्स हैं, फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, अगर तीन है तो फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम से सेकंड और फिर एज इट इज थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। जब हम रोज को मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉलम्स के साथ फर्स्ट को, फिर सेकंड रो पे आएंगे हम और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के से सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से एज इट इज क्या करते जाएंगे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किस तरह हम करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट रो जो है हमारी उसको हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट वाली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी रोज की और कॉलम की, सेकेंड एंट्री रोज रो की सेकेंड एंट्री कॉलम की, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एंट्री से और सेकेंड एंट्री हमारी सेकेंड एंट्री से क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, और उन दोनों के दरमियान जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उनके दरमियान प्लस का साइन हम यूज करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम, हमारे पास है जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम, उसके लिए क्या करेंगे 5 5 फर्स्ट एंट्री से हमारी मल्टीप्लाई होगी, दरमियान में हम यूज करते हैं प्लस, सेकेंड एंट्री हमारी 2 सेकेंड एंट्री 1, ये दोनों सेकेंड एंट्री आपस में मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम थी ये फर्स्ट रो वाली जगह और फर्स्ट कॉलम वाली जगह पे लिखेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है, फर्स्ट रो के अंदर सेकेंड कॉलम वाली जगह पे लिखेंगे जहां से हम सेकेंड कॉलम बनाते हैं, अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली जगह पे लिखा, या फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड कॉलम वाली जगह पे लिखेंगे। अब फर्स्ट रो को हम करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट एंट्री से 5 × 9 दरमियान में हम यूज करते हैं प्लस, सेकंड एंट्री से 2 × 3, ये होगी मल्टीप्लाई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, कॉलम्स दो ही थे दोनों से मल्टीप्लाई कर ली, अब हम आएंगे सेकंड रो पे, हमारी सेकंड रो जो है वो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से एज इट इज मल्टीप्लाई होगी, जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारी जगह यहां पे हम उसको लिखेंगे फर्स्ट एंट्री से दरमियान में हम यूज करेंगे प्लस, रो की सेकंड एंट्री कॉलम की सेकंड एंट्री से।
अब हमारे पास सेकंड फर्स्ट रो जो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह फर्स्ट एंट्री से, और दरमियान में प्लस यूज करते हुए सेकंड एंट्री जो है हमारी वो सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए बी हमारे पास अब क्या आ जाएगा, ए बी को अगर हम देखते हैं 5 5s are 25 हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और 2 1s are 2 ये 5 और प्लस 0 हो जाएगा हमारे पास, ये आएगा 45 और प्लस 6 आएगा, ये आएगा 9 प्लस 0 हमारे पास। इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे उनको। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास वैल्यूज आ गई उनको हम प्लस कर लेंगे, 25 और 2 27, 5 का 5 ये 45 और 6 हमारे पास आ जाता है 51 और ये 9। ये जो हमारा ए बी है ये हमारा रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, ए और बी का। ए और बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं।